चलो आज सीखते हैं कुछ नया। क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन करना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा बड़ा है तो आपको ध्यान से देखना है, सिर्फ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आप y इक्वल x की पावर साइन x प्लस साइन x की पावर cos x है। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम पहले सबसे पहले मान लेंगे, इसको u मान लिया, x की पावर साइन x को u माना और इसको v मान लिया साइन x की पावर cos x। अब यहाँ पे मान लिया हमने, अब इक्वेशन बनानी है। इसको u माना तो u रख दिया प्लस इसको v माना तो v मान लिया। x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पे d by dx ये y इक्वल d by dx u प्लस d by dx v। ये क्या बन गई, समीकरण नंबर एक, इक्वेशन नंबर वन। अब यहाँ पर देखिए हमने u है इसको उठाया तो u इक्वल, यहाँ पर आपको अब ध्यान देना है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो x की पावर साइन x दोनों पक्षों में लोग देने पर, मतलब ये लाइन लिखनी है आपको दोनों पक्षों में लोग देने पर साइड में, तो क्या करना है लोग का इंटू करना है दोनों का। तो लोग u ये हो गया लोग x की पावर साइन x। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला, फॉर्मूला आप देख लीजिए, लोग m की पावर n तो n उठ के आगे आएगा, ये लोग m। अब आपको डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए, लोग x का 1/x होता है लोग x का। आपको डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए साइन x का, वो होता है cos x, आपको याद होना है। डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए आपको cos x का, ये होता है माइनस साइन x। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ हमको डिफरेंशिएशन करना है एक x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो आप यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, log u का क्या होगा 1/u, जैसे हमारा log x का 1/x हुआ, और u का करेंगे तो du/dx। अब यहाँ पे आगे देखिए, इसको हम sin x को आगे जाए इस फॉर्मूले से और हमारा log x, तो इसमें हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष। यहाँ पे दो डिजिट बनेंगे sin x और log x, तो आपको याद है जो इनटू में रूल है वो, आपको इनटू का रूल पहले से मैं बता चुका हूँ, वो याद है। तो लगाएंगे हम साइन एक्स को, मैंने छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने लॉग एक्स का, प्लस लॉग एक्स को छोड़ा हमने, डिफरेंशिएशन किसका करा साइन एक्स का। अब यहाँ पे देखिए आगे, ये डी यू अपॉन डी एक्स, अब यू उठ के इधर आ जाएगा हमारा, और इनटू में क्या साइन एक्स को एज इट इज लिखना है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो ये लिख दिया हमने साइन एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि 1/x का साइन एक्स में इंटू करेंगे तो साइन एक्स अपॉन एक्स हो गया, प्लस लॉग एक्स को एज इट इज लिखना है, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन साइन एक्स का करना है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपके सामने है कोस एक्स, तो ये हमने कोस एक्स लिख दिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यू की वैल्यू पुट करनी है। यू की वैल्यू क्या है आपके सामने दिख रही है, यू की वैल्यू एक्स की पावर साइन एक्स है, तो मैंने एक्स की पावर साइन एक्स वैल्यू पुट करी, और यहाँ पे क्या है साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स कोस एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकल गई हमारी। अब डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, आपको ध्यान से रुकना है और ध्यान से देखना है। वी लिया हमने, वी क्या है हमारे पास साइन एक्स की पावर कोस एक्स, तो यहाँ पे साइन एक्स की पावर कोस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम एक्स के सापेक्ष, तो क्या होगा ये लोग वी, दोनों पक्षों में लोग लेने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोग लगाएंगे हम तो लोग साइन एक्स की पावर क्या है कोस एक्स, अभी पावर आगे आ जाती है तो ये क्या बन जाएगा कोस एक्स इंटू लोग ऑफ साइन एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं शॉर्टकट तरीके से करना है, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। आप आगे देखिए लोग वी का करेंगे तो 1/v अपॉन वी का करेंगे तो डी वी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए कोस एक्स को मैंने छोड़ा है, डिफरेंशिएशन कर दिया लोग ऑफ साइन एक्स का, लोग ऑफ
साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स को छोड़ देते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे हम किसका, कोस एक्स का। आपके सामने फॉर्मूले लिखे हैं, आपके सामने स्टेप बाई स्टेप क्वेश्चन हो रहा है, सिर्फ आपको ध्यान यहाँ पे देना है। डी वी अपॉन डी एक्स, वी उधर जाएगा तो वी की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ पहले से ही, साइन एक्स की पावर साइन, साइन एक्स की पावर कोस एक्स, तो ये मैंने साइन एक्स की पावर क्या है, कोस एक्स, सिर्फ वैल्यू मैंने रख दी है वी की। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस एक्स ऐसे किस लिखना है आपको, लोग साइन एक्स का करेंगे तो यहाँ पे देखिए लोग एक्स का हुआ तो क्या वन अपॉन एक्स। अब यहाँ पे थीटा क्या है हमारे पास, साइन एक्स, तो साइन एक्स अपॉन में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि लोग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन साइन एक्स होता है, तो कोस एक्स में इंटू कर दिया इसका। अब यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स, तो साइन एक्स का करेंगे तो कोस एक्स। यहाँ पे पहले इसका किया हमने लोग का और फिर इसके थीटा करते हैं अंदर। अब यहाँ पे देखिए कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे आप तो यहाँ पर क्या होता है, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो मैंने माइनस कर दिया साइन एक्स, और ये लॉग ऑफ साइन एक्स नेगेटिव लिखा है, लॉग ऑफ साइन एक्स। अब आपको टेंथ में आपने पढ़ा है कोस एक्स अपन साइन एक्स क्या होता है, कोट एक्स, तो हम इसको डायरेक्ट ही लिख रहे हैं कोट एक्स, यहाँ पे डायरेक्ट क्या बना दिया इसको, कोट एक्स। ये डी वी अपन डी एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर वन है उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा, यहाँ पे डी यू अपन डी एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, क्या है ये है पूरी, तो ये रख देंगे हम एक्स की पावर साइन एक्स, और ये क्या है साइन एक्स अपॉन एक्स, ये ऐसे किस लिख रहा हूँ मैं देख लीजिए आप, कोस एक्स लॉग एक्स, और फिर यहाँ पे डी वी अपन डी एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए तो साइन एक्स की पावर कोस एक्स, और क्या है कोट एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स, ये हमारा आंसर है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कीजिए।